हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को बास्केटबॉल की कुछ ऐसी ड्रिल्स बताऊंगा जो कि आप लोग घर पर भी रह करके इजी वे में आप लोग सभी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको, देखिए, बॉल जो अपने फिंगर्स हैं उनके ऊपर कैसे बैलेंस बनाना है आपको। बॉल को देखिए हेड से ऊपर रखना है, उसके बाद में अपनी फिंगर्स के ऊपर आपको देखिए कैसे बैलेंस करना है बॉल को। एक दिस ये देखिए, बॉल को फिंगर्स के ऊपर बैलेंस करना है। ये देखिए फर्स्ट ड्रिल जो है, ठीक है, ऐसे आपको बैलेंस करना है फर्स्ट ड्रिल। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अराउंड द वेस्ट करना है। अराउंड द वेस्ट में देखिए सबसे पहले बॉल को इस प्रकार पकड़िए, उसके बाद में आपको जो है बॉल को रोटेट करना है। कैसे रोटेट करना है, इस प्रकार आपको रोटेट करना है। देखिए फर्स्ट राइट साइड से अपने आपको रोटेट करना है, मैक्सिमम जितना 20 टाइम्स 50 टाइम्स। उसके बाद में लेफ्ट साइड से देखिए किस प्रकार, ये देखिए इसमें आप 20 50 जितना भी आप मैक्सिमम करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड जो नेक्स्ट जो है ड्रिल वो मैं बताता हूँ आपको। आपको लेग्स को स्क्वायर करना है, उसके बाद में बॉल को नीचे रखना है, आपको एज बनाना है। देखिए अपनी इसमें आपको फिंगर्स को यूज करना है किस प्रकार से, यहाँ सेंटर में रखना है बॉल को और फिंगर से आपको ऐसे रोल कराना है बॉल को। देखिए ये देखिए इसमें आप जितना मैक्सिमम करना चाहे 10 20 40 50 टाइम्स आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में हम एक बनाएंगे, अभी हम जमीन पर रख करके एक बना रहे थे, अब हम इसको बॉल को उठा करके आपको एट बनाना है। कैसे पकड़ना है बॉल को, इस प्रकार आप बॉल पकड़िए और बॉल को इस प्रकार हाथ में पकड़िए और बॉल को क्रॉस करना है। देखिए इस प्रकार आपको क्रॉस करना है, ये हो गया सेकंड टाइम एट। ये देखिए ये अभी हम फॉरवर्ड साइड से एट बना रहे हैं, ये फॉरवर्ड साइड से था। नेक्स्ट में हम बैक साइड से एट बनाएंगे, ठीक है, वही सेम डाउन पोजिशन रखेंगे बॉल को इस प्रकार और बैक साइड से एट बनाना है। ये देखिए ओके, इसमें आप मैक्सिमम 50 टाइम 20 टाइम जितना आप करना चाहें उतना टाइम आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में हम सबसे पहले लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड करेंगे, राइट लेग को बैक में करेंगे। बॉल को इस प्रकार से होल्ड कीजिए, होल्ड करने के बाद में लेग से ऐसे रोटेट करना है। ये देखिए जितना आप मैक्सिमम करना चाहें 20 50 टाइम्स। उसके बाद में राइट लेग को फॉरवर्ड कीजिए, राइट लेग को फॉरवर्ड करने के बाद में ये इस प्रकार रोटेट कीजिए, ये देखिए, ठीक है। इस ड्रिल को करने के बाद में नेक्स्ट ड्रिल पर आएंगे, स्पेड योर लेग फर्स्ट, वही सेम डाउन पोजीशन रखनी है, नीज को बेंड रखना है। अब हम डबल करेंगे, फर्स्ट राइट हैंड यूज करेंगे, राइट हैंड का पूरा पाम यूज करेंगे, बॉल को पुश करेंगे प्रॉपरली, उसके बाद में और नी से बॉल जो है वो नीचे नहीं ऊपर नहीं आनी चाहिए, ब्लो टू नी करना है, ठीक है। ट्रिपल डालेंगे, सामने देखना है, कांटेक्ट आई कांटेक्ट जो है वो सामने रहेगा और ट्रिपल करेंगे। देखिए ये देखिए लेफ्ट हैंड जो है वो डिफेंसिव पोजिशन पे ही रहेगा, ये हमने राइट हैंड, इसमें पूरा पाम जो है आपका यूज होगा, पुश करना है बॉल को। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड में देखिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड वही सेम, नीचे अप नहीं आनी चाहिए बॉल, ब्लो टू नी करनी है रिवर। उसके बाद में लेफ्ट हैंड से ये देखिए आई कॉन्टेक्ट जो है वो फ्रंट में रहेगा आपके, जितना आप मैक्सिमम करें 50 100 टाइम, उससे आपका डिबल पर कमांड बढ़ेगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर में फर्स्ट वही सेम ब्लो टू नी रहेगी, बॉल जो है वो नीचे अपनी आएगी, डिबल डालेंगे राइट हैंड से, राइट हैंड से डिबल किया, बॉल को पुश करना है, ये देखिए इसमें वी शेप में आपको बॉल को क्रॉस ओवर कराना है, लाइक
ये हो गया क्रॉसओवर रिपल। उसके बाद में हम आते हैं अब पुश एंड पुल। पुश एंड पुल में क्या करना है आपको, वही सेम डाउन पोजिशन रखनी है और राइट हैंड से फर्स्ट करेंगे अपन, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, देखिए देखिए वही सेम डिफेंसिव पोजिशन बनाएंगे, पुश करना है एंड ये देखिए उसके बाद हम लेफ्ट हैंड से करेंगे, लेफ्ट हैंड में भी वही सेम पुश एंड पुश करना है, ये देखिए ओके ये हो गया हमारा राइट और लेफ्ट हैंड से। उसके बाद में अब हम लेफ्ट लेग जो है वो पहले राइट लेग फॉरवर्ड करेंगे, राइट लेग से देखिए किस प्रकार करना है आपको पुश एंड पुश, ये देखिए राइट हैंड के बाद में हम लेफ्ट हैंड से करेंगे, इसमें लेफ्ट लेग फॉरवर्ड आ जाएगा आएगा आपका और लेफ्ट हैंड से डालेंगे रिवर्स, ठीक है रिवर्स करना है ये देखिए ओके। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्या करेंगे, बिटवीन द लेग करेंगे, बिटवीन द लेग में फर्स्ट आपका जो है लेफ्ट लेग फॉरवर्ड होगा, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड होगा उसके बाद में आपको राइट साइड में डिबल डालनी है, पहले राइट साइड में डिबल डाल के पुश करेंगे बॉल को क्रॉस करवाएंगे, ठीक है देखिए कैसे करना है ये देखिए इस प्रकार आपको बॉल को पुश करना है और बॉल को लेफ्ट के बीच में से क्रॉस कराना है ये देखिए ओके। अब इसके बाद में हम लेग चेंज करेंगे, आपका जो राइट लेग है वो फॉरवर्ड जाएगा और लेफ्ट लेग जो है वो बैक जाएगा, ठीक है उसके बाद में वही सेम बिटवीन द लेग करना है किस प्रकार ये देखिए ओके। इसमें आपको जितना भी मैक्सिमम 50-100 टाइम्स करेंगे उतना ही आपको अच्छी ड्रिबल पर बॉल के ऊपर जो है वो कमांड अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद में हम जो क्रॉस ओवर वो बैक साइड से करेंगे, देखिए किस प्रकार करना है आपको बैक साइड से क्रॉस ओवर, आप बॉडी को जो है वो बैंड रखेंगे ओके बैंड रखेंगे एंड सामने देखेंगे और बॉल को बैक साइड में आपको ये देखिए इस प्रकार से आपको बैक क्रॉस ओवर करना है। उसके बाद हम हार्ड ड्रिबल करेंगे, हार्ड ड्रिबल में जो है आपका जो शोल्डर से बॉल अप नहीं आनी चाहिए, अगर शोल्डर से ऊपर जाती है तो बॉल जो है वो फाउल हो जाती है, ठीक है तो अपने को क्या करना है बॉल को पुश करना है और शोल्डर लेवल से ऊपर नहीं आने देना बिल्कुल भी, तो यू स्टार्ट हार्ड ड्रिबल, आपको हार्ड ड्रिबल डालनी है देखिए लाइक दिस एंड सामने देखना है आई कॉन्टेक्ट जो है वो बिल्कुल सामने देखना है ये देखिए पुश करना है बॉल को प्रॉपरली देखिए। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड से करेंगे, जैसा आपने राइट हैंड से किया वैसा ही सेम लेफ्ट हैंड से पुश करना है बॉल को और शोल्डर लेवल से अपने आने देना है बिल्कुल पुश करना है हार्ड पुश के साथ में करना है ये देखिए क्लियर। तो ये हमारा राइट और लेफ्ट दोनों हार्ड पुश के साथ में आपको ड्रिबल डालनी है ओके। उसके बाद में हम बिटवीन द लेग्स करेंगे, वो कैसे करना है बॉल को बॉडी को स्ट्रेट रखना है और बॉल को ड्रिबल डालना है, ड्रिबल डाल करके आप सबसे पहले राइट हैंड से ड्रिबल डालनी है और लेफ्ट लेग को अप करना है और बॉल को क्रॉस कराना है, देखिए किस प्रकार करना है आपको ड्रिबल डाल करके इस प्रकार से बॉल को पुश करना है